अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज जो हम कहानी पढ़ेंगे वो आपको यकीनन पसंद आएगी, जिसका इनवान है 1 के 100। राव जी के एक शहर में 2 मियां बीवी रहते थे। इनकी कोई औलाद नहीं थी। वो उधेड़ उम्र के हो चुके थे और बढ़ापे के दौर में कदम रखने वाले थे। शोहर बाजार में एक ताजर का सामान दूसरे ताजर की दुकान पर पहुंचाता था और ग्राहकों को और उनके सामान को उनकी गाड़ियों तक पहुंचाने का काम करता था। शाम तक इसे कुछ पैसे मिल जाते थे, जिससे दोनों मियां बीवी का गुजर बसर हो जाता था। वो दोनों चाहते थे कि बूढ़े होने से पहले हज की सआदत हासिल कर लें। ख़ास तौर पर मियां की बड़ी आरजू थी कि वो मरने से पहले रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कर ले। इसलिए इसने थोड़े थोड़े पैसे जमा करके 10 रुपये जमा कर लिए। इस ज़माने में चांदी का सिक्का चलता था। वो हफ्ते में एक बार ज़रूर थैली निकालकर इन सिक्कों को गिनता और इनकी खन खन की आवाज़ सुनकर खुश होता था। बीवी ने एक दिन मियाँ से कहा, हज के पैसे जमा होने तक तो हम बिल्कुल बूढ़े हो जाएंगे, हो सकता है मर भी जाएं। मैं बोला, फिर क्या करें, हम थोड़े थोड़े पैसे ही जमा कर सकते हैं। दुआ करो अल्लाह हमें छप्पड़ फाड़ कर पैसा दे दे। इस ज़माने में हिंदुस्तान के लोगों में, ख़ास तौर पर मुसलमानों में, एक महदूद तबके को छोड़कर गुर्बत बहुत ज़्यादा थी। मुसलमान बादशाहों ने इनके मुआशी हालात दुरुस्त करने और इनमें तालीम आम करने के लिए कोई ठोस इकदाम नहीं किए थे। इनकी तवज्जो सिर्फ शाही ख़ानदान और तबका अमरा की बहबूद पर रहती थी। इसी गुर्बत और इफ़लास के दौर में दोनों मियां बीवी रह रहे थे और हज की सआदत हासिल करने के लिए पैसे जमा कर रहे थे। एक दिन एक फकीर ने इनके दरवाजे पर आकर सदा दी, ए भाई ए माई, अल्लाह के नाम पर अल्लाह तुझे 1 के 10 और 10 के 100 देगा। इस वक्त शोहर घर में ही था। बीवी ने जब फकीर की सदा सुनी तो इसे ख्याल आया, क्यों ना वो घर में रखे हुए 10 रुपये इसे दे दे और फिर इन्हें 100 रुपये मिल जाएंगे और इनके हज पर जाने का बंदोबस्त हो जाएगा। वो सीधी सादी औरत थी, उसने फकीर की बात पर भरोसा कर लिया। इसकी कोठरी की दीवार में बने खुफिया ताक, जो इस वक्त चोरों से बचने के लिए बनाए जाते थे और आजकल की तिजोरी का काम करते थे, में से 10 रुपये के सिक्के एक थैली में रखे थे। इसने ताक में से वो थैली निकाली और दरवाजे पर आकर फकीर से कहने लगी, साईं सच सच बताओ, अगर मैं तुम्हें 10 रुपये दूँ तो क्या मुझे 100 रुपये मिल जाएंगे? अल्लाह के नाम पर दोगी तो अल्लाह के फजल से ज़रूर मिलेंगे, 1 के 10 और 10 के 100 मिलेंगे, फकीर ने कहा। अल्लाह देगा, ज़रूर देगा, फकीर ने इसे दुआ और दलासा देते हुए कहा। ये सुनकर औरत ने रुपयों की थैली फकीर को थमा दी। 2 दिन के बाद मियाँ ने हंस पे आदत थैली निकालने के लिए खुफिया ताक में हाथ डाला तो वो खाली थी। इसने घबरा कर ताक में चारों तरफ हाथ चलाया, मगर थैली इसमें थी ही नहीं तो इसे कहाँ से मिलती। वो घबराया और अपनी बीवी के पास आया और कहने लगा, रुपयों की थैली ताक में नहीं है। बीवी बोली, हाँ वो मैंने एक फकीर को अल्लाह के नाम पर दे दी। मियाँ ने पूछा, क्यों दे दी? वो कह रहा था, अल्लाह के नाम पर 2, 1 के 10 और 10 के 100 मिलेंगे, और तूने यकीन कर लिया इसकी बात का? हाँ, बीवी ने भोलपन से जवाब दिया। ये सुनना था कि मियाँ गुस्से से पैर से जूता निकाला और 10 जूते बीवी के कमर पर लगाए और बहुत देर तक गुस्सा करता रहा। बीवी को बताता रहा कि कितनी मुश्किल से इसने 10 रुपये जमा किए थे, अब न जाने कब जाकर जमा होंगे। बाद में बस यही सोचते सोचते रात भी गुजर गई। फिर जब भी इसे 10 रुपये का ख्याल आता तो वो झिंझलाहट और गुस्से में पैर से जूता निकालता और जमा जमा कर बीवी की कमर पर टिकाता, कहता जाता, तेरी खोपड़ी में भेजा नहीं, भूसा भरा है, बस भूसा भरा है। इस बात को 3 महीने गुजर गए। जूते खाते खाते बीवी का बुरा हाल हो गया। फिर हुआ यूं कि एक चोर कहीं से 1000 रुपये के चांदी के सिक्कों की थैली चुरा कर भागा।
इसके पीछे सड़क पर मौजूद पुलिस लग गई। चोर भागता हुआ इन दोनों मियां बीवी की गली में आया। पुलिस करीब आ चुकी थी। सबूत छुपाने के लिए इसने सिक्कों की थैली ऊपर उछाल दी। इत्तफाक से वो थैली इन मियां बीवी के सहन में आ गई। सुबह की अजान पर बीवी नमाज के लिए आई, सहन में इसने कोई काली सी चीज पड़ी हुई देखी। उठाकर देखा तो एक थैली थी। खोला तो इसमें बहुत सारे चांदी के सिक्के थे। इसने आसमान की तरफ देखा और दिल में सोचा कि फकीर साईं की बात सच्ची हो गई और इसे 10 के 100 मिल गए। फिर वो अपनी कोठरी में गई और अपने मियाँ की पीठ पर जो मुंह के बल सो रहा था एक जोरदार दोहत्तर मार कर बोली, उठ कमबख्त, तूने तो जूते मार मार कर मुझे अदमुआ कर दिया था। देख 10 के 100 मिले हैं या नहीं। शोहर हड़बड़ा कर उठ बैठा। रुपयों की थैली देखकर हैरान रह गया। इसने गिना तो थैली में 1000 चांदी के सिक्के थे। इसी दिन दोपहर में वही फकीर आया और इसने वही सदा लगाई, ए माई, अल्लाह के नाम पर, अल्लाह के 10 और 10 के 100 देगा। आवाज सुनकर बीवी दरवाजे पर आ गई और फकीर से कहने लगी, साईं तू सच्चा है, तेरा खुदा सच्चा है, 1 के 10 और 10 के 100 नहीं बल्कि 1000 मिलते हैं, लेकिन ये जो जूते पड़ते हैं ना, ये बर्दाश्त नहीं होते। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने पैसे का खूब ख्याल रखेंगे और उन्हें यूं ही नहीं उड़ाएंगे।